लोग का कैमरा से क्लियर नहीं दिखाई देता है। हमारे ऑफिस में गोरचुक खूब बड़ा गाँव में अपना ऑफिस है, वेयरहाउस है, वहाँ पे कल रात को चोरी हुआ है। 1109 में कई लोग आए थे गैंग के साथ, पूरा बैटरी चार्जर और रिक्शा का पार्ट्स चोरी किया इन्होंने। बहुत लंबा क्वांटिटी में ये चोरी हुआ है, अराउंड अब 1 CR ही बोल सकते हैं कि स्टॉक अभी हमें मिसमैच सा लग रहा है। हमने गोरचुक थाने में भी कंप्लेंट डाला, हम चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी इस चोर को पकड़े और हमारा सारा मटेरियल जो भी चोरी हुआ उसको रिकवर करके दें। आया था उन लोग, वो लोग 1109 एक बड़ा ट्रक में आए थे पूरा, उसमें कोई नंबर नहीं है ट्रक में। तो आधा एक घंटा उन्होंने ऑब्जर्व किया बाहर बैठ के, एक बंदा मेन रोड पे, फिर बाद में गाड़ी लगा के शटर तोड़ के सारा कैमरा सेटअप तोड़ के उन्होंने पूरा चोरी किया है और सारा टोटल बैटरी सारा लेके गए यहाँ से। CCTV भी तोड़ दिया और उनका जो DVR वगैरह सेटअप था वो भी साथ लेके चला गया है। तो हमें जो फुटेज मिला, हमारे बगल वाला जो शोरूम था उसमें जो कैमरा लगा हुआ था उसका कैमरा से कुछ जो हमें फुटेज दिख पा रहे कि जो गाड़ी आया आधा घंटा यहाँ पे रुका हुआ था, वेयर हाउस का गया बाद में लगा और हमारे वेयर हाउस में काम भी चल रहा था कुछ, मतलब शटरिंग वगैरह का और मेन गेट बन रहा था, तो वैसे भी वो थोड़ा सा खुला हुआ भी था। हमारे ऑफिस में गोरचुक खूब बड़ा गाँव में अपना ऑफिस है, वेयरहाउस है, वहाँ पे कल रात को चोरी हुआ है। 1109 में कई लोग आए थे गैंग के साथ, पूरा बैटरी चार्जर और रिक्शा का पार्ट्स चोरी किया इन्होंने। बहुत लंबा क्वांटिटी में ये चोरी हुआ है, अराउंड अब 1 CR ही बोल सकते हैं कि स्टॉक अभी हमें मिसमैच सा लग रहा है। हमने गोरचुक थाने में भी कंप्लेंट डाला, हम चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी इस चोर को पकड़े और हमारा सारा मटेरियल जो भी चोरी हुआ उसको रिकवर करके दें। आया था उन लोग, वो लोग 1109 एक बड़ा ट्रक में आए थे पूरा, उसमें कोई नंबर नहीं है ट्रक में। तो आधा एक घंटा उन्होंने ऑब्जर्व किया बाहर बैठ के, एक बंदा मेन रोड पे, फिर बाद में गाड़ी लगा के शटर तोड़ के सारा कैमरा सेटअप तोड़ के उन्होंने पूरा चोरी किया है और सारा टोटल बैटरी सारा लेके गए यहाँ से। CCTV भी तोड़ दिया और उनका जो DVR वगैरह सेटअप था वो भी साथ लेके चला गया है। तो हमें जो फुटेज मिला, हमारे बगल वाला जो शोरूम था उसमें जो कैमरा लगा हुआ था उसका कैमरा से कुछ जो हमें फुटेज दिख पा रहे कि जो गाड़ी आया आधा घंटा यहाँ पे रुका हुआ था, वेयर हाउस का गया बाद में लगा और हमारे वेयर हाउस में काम भी चल रहा था कुछ, मतलब शटरिंग वगैरह का और मेन गेट बन रहा था, तो वैसे भी वो थोड़ा सा खुला हुआ भी था।